हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल के बारे में। ये टॉपिक इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर जो है बहुत ही ईजी है, प्लस मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी। इसका टोटल नोट्स मैं आपको बताऊंगी, इसका ट्रीटमेंट, इससे जो डिजीज़ होता है, प्लस इससे जुड़े जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उसका भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। तो क्या होता है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका हेडलाइन दीजिए, उसके बाद उसका स्टार्टिंग जो है आप इंट्रोडक्शन किससे कीजिए। इससे क्या होता है ना कि मार्क्स बहुत अच्छे मिलता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एनसाइक्लोस्टोमाटा ड्यूडेनल आर एल्सो नॉन एज कॉमन हुकवा। जो एनसाइक्लोस्टोमाटा ड्यूडेनल है, इसको कॉमन, अगर आप लोग किससे जानते हैं तो कॉमन हुकवाम से भी जान सकते हैं। इसको आप एग्जाम में क्या बोलते हैं, स्किप भी कर सकते हैं इस लाइन को, है ना, इस या फिर लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। हुकवाम आर द मोस्ट डेंजरस पैरासिटिक क्राउनवर्म। हुकवाम जो होता है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल में कॉमन हुकवाम्स आते हैं, है ना, इसीलिए मैं पहले लाइन में लिखी हूँ कि एनसाइक्लोस्टोमाटा ड्यूडेनल आर एल्सो नॉन एज कॉमन हुकवाम। हुकवाम क्या होता है, तो हुकवाम आर द मोस्ट डेंजरस पैरासिटिक राउंडवर्म। हुकवाम जो क्या होता है कि बहुत ही डेंजरस पैरासिटिक राउंडवर्म होता है। पैरासिटिक का मतलब होता है वैसा एनिमल, वैसा वर्म जो दूसरे के बॉडी के अंदर में रहता है ना, वहाँ पे फीड करता है, ग्रो करता है, रिप्रोडक्टिव करता है, उसको पैरासिटिक बोल सकते हैं। वो क्या करता है, वो दूसरे मतलब पैरासिटिक एनिमल होता है, बहुत ही डेंजर होता है। और कौन सा शेप होता है, तो राउंड वर्म होता है, मतलब इसका शेप कैसा होगा, तो राउंड जैसा, गोल जैसा होगा, है ना। और वर्म होता है मतलब कीड़ा होता है। कॉजिंग सीरियस इन्फेक्शन इन ह्यूमन, बहुत ही सीरियस इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, हम लोग के ऊपर बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन ये हुकवर्म करता है। दे बिलोंग्स टू द ऑर्डर स्ट्रांगली डी। ये कौन से ऑर्डर में आता है, तो स्ट्रांगली डी में आता है। कैसे याद रख सकते हैं स्ट्रांगली डी, तो बहुत ही सीरियस अगर इन्फेक्शन होगा तो बहुत ही स्ट्रांग कीड़ा होगा, है ना, उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो स्ट्रांगली डी होगा। और फाइलम निमाटोडा, इसका फाइलम कौन सा आएगा, तो इसका फाइलम निमाटोडा में आता है। दे डिफर फ्रॉम द एस्क्रॉइड निमाटोड्स इन द एब्सेंस ऑफ लिप। ये बहुत ही अलग होता है, मतलब ये अलग होता है एस्क्रॉइड निमाटोड से, क्योंकि इसमें लिप नहीं होता है ना। बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्यूटिकुलेट बकल कैप्सूल ऑफ टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लेकिन इसमें क्या मौजूद होता है, तो इसमें क्यूटिकुलेट बकल कैप्सूल होता है। बकल कैप्सूल का मतलब है जिसमें हम लोग का जैसे बकल कैविटी होता है ना, माउथ होता है, टंग होता है, तो उसमें इसमें क्या होता है, तो इसका बकल कैप्सूल होता है। कैसा होता है, तो क्यूटिकुलेट होता है, मतलब एक तरह का कांटेनुमा संरचना उस तरह का। अब टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसकी वजह से इसका एक अलग सा टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल को। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1838 इन एन ऑटोप्सी ऑफ एन इटालियन पीजन ओमेन बाई डोविनी। इसको कब खोजा गया था, तो ये 1838 में डोविनी द्वारा एक इतावली किसान या फिर बोलिए कि फार्मर वोमेन की मतलब बॉडी, डेड बॉडी में ये पाया गया था या फिर खोजा गया था। जैसे होता है ना पोस्टमार्टम किया जाता है ना, तो 1838 में डोविनी जो था वो खोज किया था एक फार्मर किसान जो डेड कर गई थी, उसके अंदर इस हुकवाम को उसने वो खोजा था। सिस्टमैटिक पोजीशन, एग्जाम में सिस्टमैटिक पोजीशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि सिस्टमैटिक पोजीशन मार्क्स बहुत है, 2 मार्क्स आपको और दे देता है। सिस्टमैटिक पोजीशन लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना बहुत ही जरूरी है। क्या होगा फाइलम, सिस्टमैटिक पोजीशन सबसे पहले फाइलम आता है, फाइलम किस में आएगा, तो निमेटोडा में आएगा, क्लास फाजमीडा में आएगा, ऑर्डर स्ट्रांगली डी में आएगा, उसके बाद फैमिली एनसाइक्लोस्टोमेटा में आएगा। बस आपको फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली याद रखना है, बाकी जेनस और स्पीसीज तो आपका वो टॉपिक ही हो जाएगा। जैसे एनसाइक्लोस्टोमाटा और स्पीसीज क्या होगा, ड्यूडेनल, है ना। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन स्पेलिंग अगर गलत हो तब आप बोलिएगा। फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है कॉमनली, ये हुकवाम जो होता है कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है उसी को कहा जाता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप स्किप कर भी सकते हैं, नहीं भी, अगर आपको टाइम मिले तो आप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा। एनसाइक्लोस्टोमाटा ड्यूडेनल इज कॉमनली नॉन एज द ओल्ड वर्म हुकवाम। एनसाइक्लोस्टोमाटा को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो ओल्ड वर्ल्ड हुकवाम, मतलब बहुत ही पुराना विश्व हुकवाम के बारे में, विश्व हुकवाम से इसको जाना जाता है। इट इज़ कॉमन इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ऑफ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक, आइसलैंड एंड टू अमेरिकस। ये जो एनसाइक्लोस्टोमाटा ड्यूडेनल है, ये विश्व के हर क्षेत्र में पाया जाता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन। इसको मैं एक ड्रॉ मतलब वर्ल्ड के मैप से, फिगर से आपको दिखा सकती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है।
देखिए जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है ना। ट्रॉपिकल रीजन मतलब ऐसा रीजन क्या होता है जहाँ पे सूर्य का रोशनी जो होता है ना टोटल आपका मतलब एकदम सीधा आता है, मतलब वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, उस जगह पे भी हुकवर्म पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे सूर्य का रोशनी क्या होता है तिरछा जाता है, उसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, जहाँ ठंडा गर्मी दोनों होता है ना। उसके बाद क्या होगा टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन क्या होता है तो उसमें भी दोनों मतलब टेम्परेट रीजन को ही सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, और क्या होगा वहाँ पर ठंडा गर्मी दोनों आता है। उसके बाद ये कहाँ पाया जाएगा, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, पैसिफिक आइसलैंड हो गया, बहुत ही ठंडा जगह आइसलैंड वो सब में भी पाया जाता है। टू अमेरिकन जो होता है उसमें भी आपका हुकवर्म कॉमनली ये सब पाया जाता है। ये फिगर आप मत बनाइएगा, ये बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। हैबिट एंड हैबिटेट, हुकवर्म फ्लोरिस अंडर प्रिमिटिव कंडीशन वेयर पीपुल गो बेयरफुट, बेयरफुट मॉडर्न सैनिटरी कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट एंड ह्यूमन फीसेस आर डिपोजिटेड ऑन ग्राउंड। क्या होता है कि इसका हैबिटेट मतलब ये कहाँ पाया जाता है, किस तरीके के कंडीशन में, किस तरह का सिचुएशन में ये पाया जाता है, बस हैबिट और हैबिटेट यही होता है। हुकवर्म क्या होता है, हुकवर्म जो होता है ना आदिम कंडीशन मतलब बहुत ही पुराना कंडीशन में ये पनपता है, मतलब वहाँ पाया जाता है जहाँ लोग होते हैं ना नंगे पैर चलते हैं, है ना। और कहाँ तो क्या होता है जहाँ पर क्या हो सैनिट मॉडर्न सैनिटरी कंडीशन वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, जैसे कि ह्यूमन फीसेस जो हो वो ग्राउंड में हो, है ना। ह्यूमन फीसेस का मतलब होता है अन जो हम लोग का अनवेस्टेड फूड जो होता है ना बॉडी से बाहर निकल अनवेस्टेड फूड उसको फीसेस कह सकते हैं, जहाँ वो ग्राउंड में जमा हो खुले, जैसे बोला जाता है ना खुले में शौच नहीं करना चाहिए, तो वो सब क्या होता है उस जिस जगह पे खुले पे शौच किया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुकवर्म इस तरह के डिजीज आपको पाए जाएंगे, इस तरह के वर्म आपको पाए जाएंगे। तो ये होता है कि हुकवर्म फ्लोरिस अंडर प्रिमिटिव कंडीशन वेयर पीपल गो बेयरफुट, वैसा जगह में वो पनपते जाते हैं जहाँ पे लोग जो होते हैं खाली पैर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, और क्या होगा तो मॉडर्न सैनिटरी कंडीशन जो कहाँ होगा अवेलेबल नहीं होगा, है ना। और क्या होगा जहाँ पे ह्यूमन फीसेस क्या होगा ग्राउंड में मतलब खुले में होगा, बहुत ही गंद जहाँ जमा होता है वहाँ पे ज़्यादा ये हुकवर्म जो होता है वो पाया जाता है। द एडल्ट वर्म लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन वेयर दे सक ब्लड लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है जो एडल्ट वर्म जो होते हैं हुकवर्म के जो एडल्ट होते हैं मतलब बड़े बड़े साइज के, है ना, वो कहाँ होता है तो इन मैन के इंटेस्टाइन में होता है। वेयर दे सक ब्लड, वो क्या करते हैं सक करते हैं ब्लड को, लिम्फ को, टिश्यू फ्लूइड को, किससे, फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल के ब्लड लिम्फ टिश्यू ब्लड फ्लूइड उसको क्या करते हैं सक करते हैं जो एडल्ट हुकवर्म जो होता है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उसका कैरेक्टर दिखने में कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, किस तरीके से अलग होता है, उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी में आप दो कैरेक्टर भी लिख दीजिए उसको आप फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा। दे आर कॉल्ड हुकवर्म बिकॉज द मेल हैज़ ए हुक शेप्ड बॉडी। इसको कॉमनली हुकवर्म क्यों कहता है, हुक का कैसा होता है किसी भी तरह को पकड़ने का, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा तो ऐसे होगा हुक जैसा, है ना, इसीलिए इसको हुकवर्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो दे आर कॉल्ड हुकवर्म बिकॉज द मेल हैज़ हुक शेप्ड बॉडी। इसका जो मेल जो होता है ना उसका बॉडी क्या होगा तो हुक शेप में होता है, इसलिए इसको हुकवर्म कहा जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें क्या सेक्स जो होगा वो सेपरेट होगा, मतलब मेल में मेल गैमेट पाया जाएगा, फीमेल में फीमेल गैमेट पाया जाएगा, दोनों अलग अलग होगा। मेल हैज़ ए सिंगल ट्यूबुलर थ्रेड लाइक टेस्टिस ट्विस्टेड अराउंड द इंटेस्टाइन इन द मिडिल ऑफ द बॉडी। मेल में क्या होगा तो सिंगल ट्यूबुलर थ्रेड लाइक एक तरह का थ्रेड जैसा धागा जैसा टेस्टिस पाया जाएगा, ट्विस्टेड होगा कहाँ पे तो इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट में, मिडिल बॉडी के मिडिल के इंटेस्टाइन पार्ट में वहाँ पे होगा। फीमेल हैज़ टू मच कॉन्वोलेटेड ओवेरियन ट्यूबल्स। क्या होता है फीमेल में क्या होगा टू मच दो मतलब टू मच क्या होगा कॉन्वोलेटेड ओवेरियन ट्यूबल्स पाया जाता है, है ना। यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, वो फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बाद ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे मतलब आईडी बता दूंगी। एक है मेल हुकवर्म, दूसरी है फीमेल हुकवर्म, है ना, एडल्ट मेल है ए और दूसरा एडल्ट फीमेल है। फिर लाइफ साइकिल, इसका ना लाइफ साइकिल पढ़ना है ना, तो लाइफ साइकिल ऑफ एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनम। क्या होता है फर्स्ट कॉपुलेशन होगा, है ना, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हुकवर्म मेट इन द होस्ट इंटेस्टाइन, हुकवर्म जो होता है कहाँ पे मेट करता है फीमेल और मेल जो होता है कहाँ पे मेट करता है तो होस्ट के इंटेस्टाइन में वो मेट करता है, मतलब हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है ना इंटेस्टाइन जहाँ होता है ना
वहाँ पे दोनों हुक्म मेट होते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन बर्सा ऑफ मेल इज अप्लाइड ऑन द वल्वा ऑफ फीमेल। क्या होता है कॉपुलेशन के द्वारा फर्टिलाइज मतलब जब होता है ना मेट करता है तो उसको क्या कहते हैं कॉपुलेशन कहा जाता है। उसमें क्या होता है जो मेल का वर्षा होता है अप्लाइड होता है फीमेल के वल्वा से और स्पर्म ट्रांसफर होता है। स्पर्म क्या होता है फीमेल के बॉडी में फिर ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन अकर इन द सेमिनल रिसेप्टेकल। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा तो फर्टिलाइजेशन होता है आपका सेमिनल रिसेप्टेकल्स में फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिलता है कहाँ पे तो सेमिनल रिसेप्टेकल्स में। सेकेंड स्टेज है एग्स है ना। कॉपुलेशन के बाद क्या होगा एग्स होगा। फर्टिलाइज एग्स पास्ड आउट विद द होस्ट फीसेस। जो फर्टिलाइज एग जो का जो एक फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के द्वारा वो पास्ड आउट पास हो जाता है किसमें तो होस्ट के फीसेस में। होस्ट के फीसेस का मतलब अनवेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है उसको फीसेस कहा जाता है। तो होस्ट फीसेस में फर्टिलाइज एग पास हो जाता है। इस फीमेल प्रोड्यूसेस अबाउट 9000 फर्टाइल एग पर डे। एक फीमेल जो हुक्म जो होती है वो 9000 फर्टाइल एग को एक दिन में वो प्रोड्यूस करती है। जायगोट विद इन हैज ऑलरेडी क्लिप्ड इनटू ए 4 or 8 सेल एम्ब्रायो। जो जायगोट होता है ना वो ऑलरेडी क्लिप्ड होता है ऑलरेडी वो बन जाता है किसमें तो 4 or 8 सेल एम्ब्रायो में। थर्ड स्टेज है लार्वी। एग्स के बाद क्या होगा तो लार्वा का फॉर्मेशन होगा अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ मॉइस्चर ऑक्सीजन सप्लाई एंड टेम्परेट। एम्ब्रायो डेवलप इनटू द फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल रैबिट फॉर्म लार्वा। क्या होता है जब उसको हुक्म को बहुत ही सही कंडीशन उसके मुताबिक जब उसको एन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगा वातावरण मिलेगा जैसे कि मॉइस्चर हो गया सही मॉइस्चर मिलेगा ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा टेम्परेचर मिलेगा है ना कितना तो 68 to 85 डिग्री है ना उतना जब तक मिलेगा तब क्या होगा वो बहुत ही सही ग्रो करेगा एम्ब्रायो डेवलप करेगा। एम्ब्रायो डेवलप करेगा फर्स्ट स्टेज कौन सा होगा तो जुवेनाइल रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। याद रखिएगा फर्स्ट स्टेज जो होता है जुवेनाइल रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है विच हैचेस आउट विद इन 24 to 48 आवर। एक से दो दिन में वो हैच कर जाता है। ये आपको याद करना है क्योंकि ये आपका MCQ में पूछ सकता है कि फर्स्ट जो स्टेज होता है उसको क्या कहा जाता है और कितने दिन में वो हैच करता है। हैच का मतलब होता है टूटना है ना। इट फीड ऑन बैक्टीरिया ऑफ फिशेस और अदर ऑर्गेनिक डिवेरिस ऑफ सॉइल फॉर 4 to 5 डेज एंड मॉल्ट ट्वाइस टू फॉर्म इट। थर्ड स्टेज जुवेनाइल और फ्लैट फेरी फॉर्म लार्वा। ये जो फीड करता है ये क्या करता है फीड मतलब ये भोजन लेता है किसको तो बैक्टीरिया को खाता है। फीसेस में जो बैक्टीरिया पाया जाता है ना उसको खाता है। ऑर्गेनिक डिवरेज जो सॉइल में ऑर्गेनिक डिवरेज पाया जाता है फीसेस कहाँ होगा सॉइल में होगा है ना ग्राउंड में होगा खुले एरिया में होगा तो उसको बैक्टीरिया को खाएगा या फिर ऑर्गेनिक डिवरेज को खाएगा। सॉइल के जो ऑर्गेनिक डिवरेज होते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल्स कीड़े जैसा उसको खाएगा फिर क्या होगा फॉर 4 to 5 डेज 4 से 5 दिन तक खाएगा। उसके बाद मॉल्ट कर जाएगा मतलब टूट जाएगा एक तरह से क्या होगा तो फॉर्म करेगा क्या बनाएगा तो एक तरह का थर्ड स्टेज बनेगा जुवेनाइल बोला जाता है या फिर इसको फ्लैरी फॉर्म लार्वा भी कह सकते हैं। दिस जुवेनाइल इज अबाउट 0.5 mm लॉन्ग एंड इनफेक्टिव फॉर मैन। क्या होता है ये जुवेनाइल जो होता है ये 0.5 जो इस स्टेज में जो लार्वा जो बनता है ना वो 0.5 mm तक ये लंबा होता है और ये इन्फेक्टिव होता है मैन के लिए मतलब इस कंडीशन में मैन को ये इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे को। जो पैर से लंगे पर जा रहा हो उस जगह पे वो मौजूद हो तो क्या होगा वो पैर के सहारे वो उसके बॉडी में जाके उसको इफेक्ट कर देगा। फेरीफॉर्म लार्वा इन्फेक्ट ए न्यू होस्ट बाई चांस कॉन्टैक्ट विथ हिज स्किन। फ्लैरीफॉर्म लार्वा जो का इन्फेक्ट करेगा नए होस्ट को नए एक नॉर्मल पीपल को कैसे तो बाई चांस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ हिज स्किन। उसके स्किन के कॉन्टैक्ट के आने से ही वो क्या होता है चिपक जाएगा इस तरह को उसके बॉडी में इंटर करके वो उस तरह को उसको इन्फेक्ट कर देगा। उसके बाद टोटल आपको लाइफ साइकिल का फिगर ड्रॉ करना है। फिगर जरूर ड्रॉ करिएगा उसमें मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। फिगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन मिले ना एमसीक्यू के लिए आप पेज छोड़ दें उसके बाद डायरेक्टली आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं उसके बाद आप शॉर्ट नोट आराम से बनाइएगा। इसका फिगर दिखा देती हूँ। यह लाइफ साइकिल ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल का फिगर इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ। मेल एंड फीमेल है ना फर्टिलाइज होगा एक ही साइड में उसके बाद क्लीवेज मैस होगा एम्ब्रायलेटेड एग हैच होगा सॉइल में फिर एनस उसके बाद एक न्यूली हैच रेडी फॉर्म लार्वा का फॉर्मेशन होगा फिर फ्लैरी फॉर्म लार्वा में बदलेगा उसके बाद एक तरह का आई कॉन्टैक्ट या फिर क्या बोलते हैं लेग के कॉन्टैक्ट में आने से फिर ये ह्यूमन बॉडी में जाके वो क्या करेगा ह्यूमन को इफेक्ट करेगा। बस यही फिगर आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में। कम लिखिए लेकिन फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा।
एंड साइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल कॉमन हुकवर्म से एक डिजीज होता है जिसको कहा जाता है एनसाइक्लोस्टोमियसिस, है ना। ये आपका शॉर्ट नोट में पूछ सकता है क्या होता है एनसाइक्लोस्टोमेटिस, एक तरह का डिजीज होता है, ये मैं पहले ही आपको बताता हूँ। एनसाइक्लोस्टोमेटिस इज द नेम ऑफ गिवन टू इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। जब पैर के कॉन्टैक्ट में आने से जब ये कीड़ा ये वर्म जब बॉडी में इंटर करता है और ह्यूमन को जब इफेक्ट करता है तो इस डिजीज को कहा जाता है एनसाइक्लोस्टोमेटामियसिस, है ना। एक तरह का इन्फेक्शन हो गया ये। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इसको, तो हुकवर्म इन्फेक्शन इज डायग्नोज बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइलिन एग इन ए फीकल सेमियर फॉर्म इन्फेक्टेड पर्सन। कैसे जान सकते हैं कि हम लोग को ये डिजीज़ हुआ है, तो कैसे, तो हुकवर्म इन्फेक्शन किससे जान सकते हैं, तो हाइलिन एग्स के द्वारा, मतलब बहुत सारे एग्स के द्वारा हम लोग इसको जान सकते हैं। किसमें, तो फीकल सेमियर में, किसमें, तो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल में बहुत सारे हाइलिन एग्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है पैथोजेनेसिस, मतलब सिम्टम्स। अगर आपके बॉडी में अगर आपको ये डिजीज़ हुआ है एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल, अगर ये आपको एनसाइक्लोस्टोमियसिस अगर ये आपको डिजीज़ हुआ है तो कैसे हम लोग जान सकते हैं, तो एनीमिया होगा, है ना। डिक्रीज इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में डिक्रीज़ होगा, मतलब आपको किसी भी डिजीज़ से लड़ने का जो क्षमता होता है ना वो आपका घट जाएगा। ब्लडी स्टूल होगा, मतलब जो अनवेस्टेड जो फूड बॉडी से बाहर निकलता है उसमें क्या होगा, ब्लड के पार्टिकल्स हो गए। स्टमक पेन होगा, स्टमक में आपका पेन होगा, दर्द होगा, डायरिया होगा और डायप्सनी होगा, है ना। बस तीन चार सिम्टम्स लिखने से भी हो जाएगा। उसके बाद है थेरेपी, कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर ये आपको डिजीज़ हुआ तो। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड थायमोल ईटीसी। ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स यूज किए जाते हैं जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, थायमोल हो गया। इसका कॉमनली इसको पता है क्या यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथाइलिन का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है इस डिजीज में, उसका आप लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखी हूँ। और थायमोल का यूज किया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इस डिजीज को। द हुकवर्म डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरेबल इकोनॉमिक लॉस एज वेल एज पुअर हेल्थ। हुकवर्म डिजीज जो होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरह का इकोनॉमिक लॉस की वजह से या फिर पुअर हेल्थ की वजह से, जो होता है ना कि जिस तरह के जैसे इंसान को अगर टोटली फैसिलिटी ना मिले किसी चीज़ का तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि सपोज जो गरीब होते हैं उनको क्या होगा, चप्पल खरीदने वो क्या होगा, नंगे पैर ही जाते हैं, है ना। और अगर सही से उन लोग का बात मतलब सोच चाल ही ना हो तो क्या होगा, वो लोग खुले में ही जाएंगे। इससे क्या होगा, इस तरह का हुकवर्म डिजीज फैलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जैसे कि अफ्रीका में हो गया ना, बहुत ही गरीब है, पॉसिबल है कि वहाँ ये डिजीज होगा ही। इम्पॉर्टेंट प्रोफाइलेटिक इंक्लूड वेयरिंग शूज एंड सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसिस अफेक्टेड एरिया सो दैट सॉइल मे नॉट बी पॉल्यूटेड। क्या करना चाहिए इस तरह के जगह में, तो इम्पॉर्टेंट प्रोफाइलेटिक इनको जैसे कि वेयरिंग शूज पहनने चाहिए, कहीं भी अगर आप खुले जगह शूज पहन के ही जाएँ, है ना। सैनिटरी डिस्पोजल जो ह्यूमन फीसेज जो होता है, अनवेस्टेड फूड जो बॉडी से बाहर निकलता है उसको एक तरह का सैनिटरी डिस्पोजल खत्म करना चाहिए, सही स्वच्छता से मतलब उसको खत्म करना चाहिए। अफेक्टेड एरिया में, उस तरह के एरिया में जहाँ होता है ना कि बहुत गंदगी हो, इस तरह का गंदी हो, वहाँ एक तरह से साफ सफाई रखना चाहिए कि बॉडी मतलब वो खुले हुए में ना रहे उस तरह का, जिससे क्या होगा मिट्टी जो होगा बहुत कम पॉल्यूटेड होगा और इस तरह का डिजीज नहीं होगा। इस टॉपिक से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो एग्जाम में आपको पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, रेबडीफॉर्म लार्वा ऑफ एनसाइक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनल ग्रो बाय फीडिंग ऑफ पैरासाइट ऑफ रेबडीफॉर्म एनसाइक्लोस्टोमेटा का जो रेबडीफॉर्म लार्वा होता है वो ग्रो किस में करता है, तो किस पैरासाइट में अंदर वो ग्रो करता है, मतलब फीड करके वो ग्रो करता है, तो ऑब्वियसली ये मैन में होता है, है ना। सेकेंड है आपका इन्फेक्टिव स्टेज, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए, है ना, मैन होगा। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लार्वा इज, इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है लार्वा का, तो ये आपका होता है फ्लेरीफॉर्म लार्वा, थर्ड स्टेज में ये आपका इन्फेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा मॉल्ट करके वो बॉडी का फॉर्मेशन 0.5 mm लॉन्ग होता है, मैं आपको बताई वीडियो में। और ये क्या होगा थर्ड स्टेज जुवेनाइल का जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज का स्टेज होता है, मतलब ये एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है इस स्टेज में। रेबडीफॉर्म लार्वा हैचेस आउट इन, रेबडीफॉर्म लार्वा जो होता है कितने दिन में वो हैच करता है, टूटता है, तो वो आपका हो गया कितने दिन में, तो 24 to 28 hours में वो हैच करता है। एनसाइक्लोस्टोमेटा लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड फीड ऑफ एन एक्स्ट्रा, एनसाइक्लोस्टोमेटा जो होता है मैन के इंटेस्टाइन में होता है और फीड करता है, क्या फीड करता है, तो एक तरह का आपका फोर के क्या होगा, तो ये आपका
हीट करता है। सर इंटेस्टाइन में अगर आपका एनसाइक्लोस्टोमेटा होगा ना, तो ये जरूरी है कि ये ब्लड को ही ये फीड करेगा, है ना। डाइजेस्टिव जूस तो इंटेस्टाइन में होगा नहीं, ये तो आपका गलत है ना। फूड तो वहाँ पे होगा नहीं इंटेस्टाइन में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ब्लड होगा। एनसाइक्लोस्टोमेटा जो मैन के इंटेस्टाइन में जो वो रहता है, वो क्या फीड करता है, क्या फीड का मतलब है खाना, तो क्या खाता है, तो वो ब्लड को वो खाता है, फीड के रूप में वो ब्लड को लेता है। नो सेकेंडरी होस्ट इन लाइफ साइकिल ऑफ किसके, मतलब किसके लाइफ हिस्ट्री में कोई भी सेकेंडरी होस्ट नहीं पाया जाता है, कोई भी एक तरह का दूसरे होस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है उसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, तो ये आपका हो गया एनसाइक्लोस्टोमेटा में जो हो गया वो आपका सेकेंडरी होस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, एक ही होस्ट में वो पूरा लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट कर देता है। हु डिस्कवर्ड एनसाइक्लोस्टोमेटा, तो एनसाइक्लोस्टोमेटा को डुविनी ने खोज किया था कब, तो 1838 में, वो भी एक फीमेल डेड बॉडी में, है ना, जो होता है ना पोस्टमार्टम जो होता है ना, उसकी के द्वारा वो एनसाइक्लोस्टोमेटा कॉमन होकवाम को वो खोजी थी, कहाँ तो कब, तो 1838 में। द कॉज ऑफ एनसाइक्लोस्टोमेसिस को क्या, एनसाइक्लोस्टोमेसिस जो कॉज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको एनसाइक्लोस्टोमाटा कहा जाता है। एट क्वेश्चन आपका, द ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म क्या होगा, तो एनसाइक्लोस्टोमाटा स्टोमा होगा। एनसाइक्लोस्टोमा जनरली नोन एज, एनसाइक्लोस्टोमेटा को जनरली क्या नाम से जाना जाता है, तो हुकवॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसको हुकवॉर्म क्यों कहा जाता है, किसके, क्योंकि इसका मेल का जो बॉडी होगा वो हुक शेप्ड में होता है, इसलिए इसको हुकवॉर्म कहा जाता है। मैक्सिमम पीपल इन्फेक्टेड बाय, ज़्यादातर पीपल जो होगा वो इन्फेक्टेड होता है किसके द्वारा, तो एनसाइक्लोस्टोमेटा के द्वारा।